हाउ टू रिपोर्ट इंस्टाग्राम अकाउंट। जब भी हम ये चीजें सर्च करते हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं परेशान हैं किसी न किसी अकाउंट से, जिससे हमें काफी ज्यादा परेशानी होती है और हम उसको करवाना चाहते हैं बैन। यहाँ पर जब हम इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट करने की बात करते हैं तो काफी सारे रिपोर्ट के तरीके हैं जो कि आज पुराने हो चुके हैं, बट कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो कि काफी पुराने हैं बट बहुत ही अच्छे से वो काम करते हैं। उन तरीकों में दोस्तों एक रिपोर्ट ऐसा है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप क्लिक करिए तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हो तो दोस्तों वहां पर आपको और फिर से ऑप्शंस कुछ और देखने को मिल जाते हैं। अब वहां पर दोस्तों दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन का मैं मतलब आपको बता देता हूं। पहले ऑप्शन का मतलब होता है कि आप खुद परेशान हो उस अकाउंट से जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो, और दूसरा ऑप्शन है जैसे दूसरा कोई परेशान है आप तब उस पर रिपोर्ट कर रहे हो। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट वाले का ज्यादा माना जाता है कि सही रिपोर्ट हो सकता है, दूसरों के लिए आप क्या ही रिपोर्ट करोगे। तो यहां पर दोस्तों फर्स्ट वाला जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपको करना क्या है, और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए मेनली जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जब वो नाम पूछता है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम देना है, किसी भी तरीके का किसी और का नाम नहीं देना है। जब आप अपना नाम दे देते हो उसके बाद आपको एक ईमेल एड्रेस का ऑप्शन भी मांगता है, आपको एक ईमेल एड्रेस देना है जिससे उनको कन्फर्म होगा कि हाँ ये लेजिट रिपोर्ट है। नहीं तो कुछ लोग फेक अकाउंट को फेक रिपोर्ट भी करते हैं, देखिए फेक अकाउंट बनता है तो फेक रिपोर्ट भी आते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक नाम ऐसा चाहिए होगा जो कि ओरिजिनल नाम उनके अकाउंट पर है जिस अकाउंट को आप रिपोर्ट कर रहे हो। तो दोस्तों जो फोटो होती है प्रोफाइल फोटो उसके नीचे जो नाम लिखा होता है वही ओरिजिनल नाम होता है उस अकाउंट का, आपको उसको लिख देना है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन फिर से आपको एक मिलता है ऑप्शन ब्लैंक भरने को, उसमें जो है यूज़र नेम डालना होता है जिस अकाउंट को आप बैन करवाना चाहते हो। जब आप यूज़र नेम डाल देते हो दोस्तों उसमें उसके बाद आपको एक फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। फोटो अपलोड करने का जो ऑप्शन मिलता है दोस्तों वहां पर आपको कैसी फोटो अपलोड करनी है, आपको एक ऐसी फोटो अपलोड करनी है जिसमें आपका फेस विजिबल हो और आपके साथ एक आईडी हो। आईडी मींस आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी हो सकता है, वो होनी चाहिए और एकदम विजिबल होनी चाहिए, उसमें भी आपकी फोटो साफ साफ दिखनी चाहिए। बस इतना करना है आपको, उसके बाद उसको अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है एडिशनल इन्फो का। ये जो इन्फो दिया जा रहा है दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि एडिशनल इन्फो में क्या ही भर दें हम, दोस्तों वहाँ पर आप अपनी परेशानी लिखिए कि आपको उस अकाउंट से किस तरीके से परेशानियाँ हो रही हैं जिसे आप सॉल्व करना चाहते हो। और दोस्तों ये काम आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हो, आपको जो जो परेशानियाँ हैं वो कट टू कट आप उसमें लिख दीजिए। कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखनी, किसी भी तरीके का लिखने का तरीका नहीं देखना, आपको सिंपली से ये चीज़ें कर देनी है। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की रिपोर्ट हम ना करें और सिंपल से कुछ रिपोर्ट होते हैं वो कर दें, तो दोस्तों इसके लिए हमारे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। आप टेलीग्राम के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं, आप ब्राउज़र के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी तरीके हमने अपने चैनल पर बनाए हैं और भी ऐसे तरीके आते रहेंगे आगे फ्यूचर में, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करके और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।